पेंशन आदमी क्या करेगा, वो घर चलाएगा, सब्जी लाएगा कि महंगाई इतनी हो गई है सब्जी कहने के हाथ नहीं लगा सकता आदमी। सब्जियों में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसने तो गरीब की कमर ही तोड़ दी है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया है। ओवरऑल जो टमाटर की रेट आप देख रहे हैं, कभी 100 kg, सॉरी कभी 1 kg 100 रुपये में है, कभी किसी और सब्जी की, तो हम सफ़र कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली पीछे से इस टाइम सैलाब आया था बाहर, टमाटर फसल उस वजह से थोड़ा महंगा हुआ है। दूसरी बात यहाँ कश्मीरी टमाटर भी इस साल कम निकले, इस वजह से थोड़ा महंगे, मतलब जो रेडी है रेडी थोड़ा उससे इजाफा हुआ रेटों में। मतलब एज अ कॉमन मैन मैं बोल रहा हूँ, जो मिडिल क्लास, बीच सुना मिडिल क्लास फैमिली से सफ़र करा, अब जो बिलो मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो हैंड टू माउथ है, जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उन वो बेचारे तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मौसमी हालात गई चेंज, बहुत पंच पंचवंजा वह मे गच लटिस गर्मी वो तो दम कत वो रूद सू जमीन तो सू जमीन मकलो लुको तम जमीन पे बन बस्ती ये पे गवर्नमेंटन ओसमुत इन जमीन पे ना ये मकान बनान बस्ती बनान कह आज तम जमीन पे बज बज बस्ती दान जमीन मन बस्ती सब्जी जमीन मन बस्ती नतीजे द्राव जमीन गो कम जमीन द्रा जमीन गो कम यह सब्जी द्राई बिल्कुल कम सब्जी गई द्रुज ये मतलब लूक खेवान हाँ खेवान पालक खेवान बाकी बाकी चीज मोजे खेवान नतीज द्राव ये वो कहें ये सोरे नबर पे तमाह करा वन अस बन कशु टमाटर। कश्मीर में बहुत ज़्यादा मजदूर पेशा बेचारे को, उसको तो महीने में कहीं 5 दिन किसी को 10 दिन मिलते हैं, मुकम्मल महीना उसको रोज़गार भी नहीं मिलता है, ऊपर से घर चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई है, बाकी लाजमात है, तो वो बेचारे की तो कमर ही टूट गई है, वो तो कुछ ख़रीदने के काबिल ही नहीं है। टमाटर जो 30-60-70 रुपये दे रहे हैं, 70 रुपये दे रहे हैं, मटर जो है 120 का दे रहे हैं, वो भी 150 कभी कहता है कोई 120 है, इतनी महंगाई है कि कहने की बात नहीं, आसमान को छू रही है ये सब्जी, तो बाकी कोई बात ही नहीं है, आदमी क्या करे, परेशानी है। सब्जियों की कीमतों में आए रोज इजाफे को लेकर आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंतजामिया को चाहिए वो सब्जियों की कीमतों पर नजरसानी करे ताकि लोग मजीद सफर करने से बचे। ऐसी मजीद अपडेट्स के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, आप GK TV देखते रहिए।